उधर राजस्थान के उदयपुर में परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की तैयारियां, शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उदयपुर के होटल लीला पैलेस को भव्य तरीके से सजाया गया, क्योंकि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी की सभी रस्में यहीं पर होने वाली हैं। हल्दी, मेहंदी और संगीत नाइट का आयोजन होटल लीला पैलेस में ही होगा, जिसके बाद 24 सितंबर को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। दोनों के परिवार और रिश्तेदारों के अलावा कई वीवीआईपी मेहमान इस शादी में शामिल होंगे। 200 से 250 जो मेहमान होंगे इस पूरी शादी में शिरकत करेंगे, जिसमें से 50 वीवीआईपी मेहमान रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के दिल्ली वाले सरकारी आवास पर भी भव्य सजावट की गई। उदयपुर रवाना होने से पहले शादी की कई रस्में उनके सरकारी आवास पर की गई। इस बीच सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी देखने को मिले। इस बीच रविवार 24 सितंबर से देश में 9 नई वंदे भारत ट्रेनें पटरी पर उतर जाएंगी, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके साथ देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 33 पर पहुंच जाएगी। इन नई वंदे भारत ट्रेनों के जरिए जयपुर से उदयपुर, पटना से हावड़ा, रांची से हावड़ा, हैदराबाद से बेंगलुरु और इंदौर से जयपुर समेत कई अहम रूट जोड़ जाएंगे। इधर पिछले महीने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल पर हमला करने वाले आरोपियों से पुलिस और यूपीएसटीएफ की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक आरोपी हमलावर मारा भी गया। 29 और 30 अगस्त की रात को ड्यूटी करके ट्रेन से लौट रही उस महिला हेड कांस्टेबल पर उन तीन लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों की लोकेशन की जानकारी मिलते ही पुलिस और यूपीएसटीएफ तीनों आरोपियों को पकड़ने पहुंची, मगर बताया गया कि पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग कर दी, इसलिए जवाब में पुलिस ने भी गोली चला दी। अभियुक्त को गोली लगी थी, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक आरोपी ढेर हो गया और बाकी दोनों घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी को भी काफी चोट आई। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी एक बस पानी से भरे अंडरपास में फंस गई। घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद वो बस यात्रियों को लेकर वहां से गुजर रही थी, लेकिन अंडरपास में पानी भरा होने की वजह से बस का इंजन बंद हो गया और वो वहीं फंस गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगने लगे। वहीं बस में मौजूद कुछ लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन के सहारे वहां से बस को निकाल लिया गया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बस के ड्राइवर को अंडरपास से ले जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो जानबूझकर अंडरपास से ले गया, जिसकी वजह से कई यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ गई। बताया गया कि बस इटावा से आगरा जा रही थी। वहीं सीरिया में लोग सड़कों पर इसलिए उतर आए क्योंकि वहां के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर हैं और चीन के साथ राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, और इसी के विरोध में लोग झंडे और बैनर लेकर सीरिया के स्वीडा में सड़कों पर उतर गए। दरअसल राष्ट्रपति असद लंबे समय से तमाम तरह के प्रतिबंधों को झेल रहे हैं और एक दशक से अधिक समय से चीन से दूरी बनाकर रखे हुए थे, लेकिन अब एशियन गेम्स के बहाने असद बीजिंग पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि वो चीन से आर्थिक मदद की आस में वहां पहुंचे हैं। जबकि सीरिया में लोग ईंधन से सब्सिडी हटने से असद सरकार से खफा है, जो पहले से आर्थिक मंदी के चलते तमाम तरह की मुश्किलों और महंगाई की मार के साथ साथ गृह युद्ध में फंसे सीरिया की वजह से होने वाली परेशानी से जूझ रहे हैं। इस बीच 20 साल बाद चीन पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीन और सीरिया के रिश्ते कई साल पुराने और यूक्रेन जंग के बाद चीन और रूस जैसे देश अमेरिका के सामने खड़े नजर आए, और ऐसे हालात में बशर अल असद चीन पहुंचे जहां उनकी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, जिसकी छोटी सी तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें सीरिया और चीन का प्रतिनिधिमंडल आमने सामने बैठा नजर आया।